सज्जनों, आज मैं आस्तिक और नास्तिक में अंतर, क्या अंतर है, स्पष्ट करने जा रहा हूं। मैं ये बता दूं आपको, आस्तिक जो ईश्वर को मानता है और नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, अर्थात आस्तिक माने जिसको ईश्वर पर विश्वास नहीं है और नास्तिक, और आस्तिक जिस पर ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, और नास्तिक माने जिस पर ईश्वर को बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं दृष्टांत के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मोहन और सोहन दो व्यक्ति, मोहन आस्तिक था, सोहन नास्तिक था, लेकिन विरोधाभास की स्थिति देखिए कि दोनों में मित्रता थी। गर्मी का समय था, मौसम था, मोहन और सोहन एक नास्तिक और आस्तिक दोनों जा रहे थे कहीं बाहर, भयंकर गर्मी, रास्ते में गर्मी ज्यादा लगने के कारण उनको एक आम का बड़ा सा वृक्ष मिला। तो आम के वृक्ष के नीचे दोनों विश्राम करने के उद्देश्य से बैठ गए। दोनों बैठ गए तो जो आस, और जैसे बैठे वहां देखे तो आम बढ़िया पके हुए पड़े हुए थे। तो आस्तिक ने आम तो दोनों ने खाया उठाकर, और आस्तिक जो है बोलने लगा नास्तिक से कि देखो ईश्वर तेरी क्या अपरंपार लीला है, क्या महिमा है, एक तो छाया को छाया दे दी बैठने को, और दूसरा खाने को फल भी दे दिया। इतना बोला, उतने में नास्तिक कहने लगा, देखो भाई यार, देखो अगर बुरा ना मान तो मैं तुम्हारे ईश्वर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बोले कहो क्या कहना चाहते। तो तुरंत नास्तिक ने कहा कि अभी अभी देखो, अभी अभी देख के मैं आया हूं, तुमने भी देखा, कद्दू का एक छोटा सा पेड़ था और उसमें 50-50 किलो तक के कद्दू लगे थे, छोटे से पेड़ में 50 किलो के कद्दू लगे, और इसमें देखो इतना बड़ा आम का पेड़ और इसमें जो है ना 25-25 ग्राम के छोटे छोटे फल लगाए ईश्वर ने, तेरा ईश्वर मूर्ख है कि नहीं। उसको गुस्सा आया, बोले गलत बोले, मूर्ख नहीं बोलो, बोले क्यों ना बोलो, बताओ तुम। और वो जो नास्तिक सोहन था, नास्तिक जो नहीं मानता था, वो टकला था, उसके सिर में बाल नहीं थे, और उसी समय सबसे बड़ा कच्चा आम ऊपर से उसके सिर पर गिरा। तो जब सिर पर गिरा वो ऐसा करके हाथ से उसको करने लगा, सिर को ऐसा करने लगा, टटोलने लगा। तो क्या कर रहा है आस्तिक ने कहा, क्या कर रहा है, बोले ऐसा ऐसा था। बोले देखो, देख मेरे ईश्वर की लीला, यही तो मैं कह रहा हूं, तुमने अभी कहा ना कि वहां 50-50 किलो कद्दू इसमें लगाना था, आज एक छोटा सा आम, छोटा 25 ग्राम का है फल, तो वो तो तुमने अभी हाथ मलने लगे इतने में, और अगर कहीं 50 किलो का इसमें लगाया होता तो तेरी अभी कपाल क्रिया हो जाती, अब बोलो ईश्वर सही है कि नहीं। उसने ऐसा करके समझाया विश्व। मैं अस्तित्व और नास्तिकता में कुछ दो पंक्तियां कहना चाहता हूं। आस्तिकता में छिपा है, आस्तिकता में छिपा है ईश्वर का सम्मान, होता है इस जगत में आस्तिक का कल्याण, होता है इस जगत में आस्तिक का कल्याण। और नास्तिकता में छिपा है, नास्तिकता में छिपा है ईश्वर का अपमान, नास्तिकता में छिपा है ईश्वर का अपमान, हो सकता नहीं जगत में नास्तिक का कल्याण, हो सकता नहीं जगत में नास्तिक का कल्याण। इसलिए मैं, मेरी यही राय है सभी को कि ईश्वर पर भरोसा रखो, वही सर्वोपरि है, वही सर्वसत्ता है, नियंत्रक है, घटघटवासी है, और निश्चित रूप से अधिक कल्याण होगा। आस्तिक बनो, ईश्वर पर भरोसा।